लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद उनको यानी लुटेरा बताया, हम लोगों ने इसे हाथ में लिया तो हम तो चाहेंगे कि इसे फांसी हो जाए। मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। अगर माफी भी मांगनी तो प्राइम टाइम पर आगे माफी मांगे। एक टीवी चैनल के डिबेट में पत्रकार अमीश देवगन ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के शान में गुस्ताखी की, जिसके वजह से देश भर में मुस्लिम समाज के अलावा और भी कई धर्मों के लोगों में गुस्सा है। मुंबरा में भी MIM और ऐसे कई संगठन के लोग अमीश देवगन के खिलाफ FIR दर्ज कराने मुंबरा पुलिस स्टेशन पहुँचे थे। आपको बता दें कि देश भर में पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ FIR दर्ज कराए जा रहे हैं। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख अमीश देवगन ने ट्वीट के जरिए इस पर खेद जताया है और वीडियो भी सामने आई है जिसमें पत्रकार अमीश देवगन ने खेद व्यक्त किया है। अमीश देवगन के खिलाफ मुंबरा पुलिस स्टेशन में MIM और कई संस्था के लोग FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने पत्रकार अमीश देवगन के फोटो को पैरों से कुचला, मगर मुंबरा पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। शिकायत कल दर्ज कराई जाएगी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, इस पर गुनाह दाखिल होना चाहिए या फिर जिस तरह से डिबेट में गुस्ताखी की है वैसे ही डिबेट में माफ़ी मांगे। MIM के सैफ पठान, लीशन अंसारी, नावेद और पूरी टीम इस मौके पर मौजूद थी। वहीं SVKN से एडवोकेट कबीर चौधरी, हसन मुलानी और उनकी टीम मौजूद थी। पत्रकार अमीश देवगन पर FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर पहुंचे इन लोगों को पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है, खुद सुनिए। एंकर है टीवी एंकर न्यूज 18 पे बैठता अमीश देवगन, जो हमेशा यानी एक कम्युनिटी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और दंगा फैलाने की कोशिश करता है, जो खुद जैसे उसने पिछली बार कुर्ला की मस्जिद को लेकर के बयानबाजी की थी और उसके बाद माफ़ी मांग ली थी, उसी तरीके से आज उसने हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी की है, उन्हें टेररर बताया है, उनको यानी लुटेरा बताया है, उसके खिलाफ आज हम लोग कंप्लेंट कराने आए हैं और हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि ये इस पर FIR हो, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अदरवाइज अगर हम लोगों ने इसे हाथ में लिया तो हम तो चाहेंगे कि इसे फांसी हो जाए, बीच चौराहे पे लटका दिया जाए, क्योंकि ये हमेशा ऐसा बोलता है एक कम्युनिटी को टारगेट करके और इस बार तो ये बियॉन्ड दी लाइन जाकर के अबाउ दी लाइन जाकर के बात की है इसने और हमारे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ बोला है, जिसके लिए हमको आश्वासन दिया गया कि कल तक इस पर FIR मुमरा चौकी में हो जाएगा। और भी लोगों की यानी अर्जी आई है, उस अर्जी के बेसिस पे हम लोगों ने जो सबसे पहले अर्जी दी उसके बेसिस पे कल इंशाल्लाह ताला FIR कर दी जाएगी। इसको आपने कुर्ला का जिक्र किया तो कुर्ला के मामले में उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, तो ये हमेशा इस तरीके के ही करते हैं, ये एंकरिंग छोड़ करके कुछ लोगों कुछ पार्टियों की दलाली करते और देश में फूट डालने की कोशिश करते और उसके बाद आकर के एक प्लेटफॉर्म पे इतना गंदा बोलने के बाद आकर के माफ़ी मांगते, कब तक यानी ये ऐसा करके क्या माफ़ी मांग लेना जायज़ है, हर बार माफ़ी मांग कर छूट जाना जायज़ है, क्या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होना चाहिए? अभी पुलिस से क्या कहा है आपने? पुलिस ने अभी कहा है कि सब यानी अर्जी इन लोगों ने कलेक्ट की है, कल लीगल डिपार्टमेंट को ये लोग अर्जी भेजेंगे यहाँ से और कल हम लोगों को एकदम श्योरली 100% आश्वासन दिया गया है जो सेकंड PI है यहाँ पर वॉलेट कर साहब, उन्होंने कि कल हमारी FIR दर्ज हो जाएगी। आप क्या कहेंगे, आप एक एडवोकेट थे हो तो जिस तरह से अमीश देवगन ने लुटेरा सब कहा है तो इस पर जो है आप लोग यहाँ FIR दर्ज कराने के लिए आए थे आज, तो पुलिस ने कल बुलाया है तो क्या लग रहा है आपको कि FIR दर्ज हो पाएगी? हाँ इंशाल्लाह FIR तो दर्ज होगी, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया है हमारे बुजुर्गाना दिल के लिए, उनको ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान से और पूरे हिंदुस्तान से क्या पूरी दुनिया से लोग जो है उनको मानते हैं, अपना हिंदुस्तान के मुसलमान तो मुसलमान जो हिंदू हमारे भाई है वो भी मानते हैं, जब कोई पहला सीट जीतता है MLA हो गया CM हो गया वो तक भी वहाँ जाके अपना माथा टिकाकर आते हैं, तो आस्था सबकी वहाँ से जुड़ी हुई है और किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना ये सरासर गलत है। इसके ऊपर जो है दूसरे लोगों के फिर सेडेशन का केस वगैरह केस बनता है, मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर भी ऐसी स्ट्रिक्ट केस बने कि जाके आइंदा से कोई पत्रकार इस तरीके से पत्रकारी ना करे, जैसा सेक्शन 153A वो लगना चाहिए, माहौल बिगाड़ने का सेक्शन लगना चाहिए, जिससे हो सकता है कि अल्लाह ना करे कभी कोई मुसलमान मोहब्बत में आके कुछ दंगा या कुछ उसने कुछ कर दिया तो उसका जिम्मेदार कौन, क्योंकि आस्था जब जुड़ी होती है तो इंसान के काम का और उसके गुस्से का कोई जरा नहीं होता। मैं इसी आपके माध्यम से सारे न्यूज़ पत्रकार को ये बोलना चाहूँगा
या न्यूज पत्रकारी करे लेकिन किसी की पर्सनल ठेस ना पहुंचाए। अमित देवगन के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर की मांग की है, उमरा सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से, जो आईटी सेक्शन 66 है, आईपीसी 295, 295 है, 505 और 153 ए के तहत में गुनाह दाखिल होना चाहिए। एक एक पर्टिकुलर तबका और एक पर्टिकुलर समाज के खिलाफ उसने बात की और हमारे बुजुर्गाने दीन है, हम उनके खिलाफ कोई भी बुरी चीज़ और अच्छी बुरी बात हम नहीं सुन सकते। और ये एक प्रेशर क्रिएट करने की टैक्टिक है, एक ही एफआईआर होगी हमें भी पता है, लेकिन हमको अपना काम करना है। हर देंगे एसवी कैन की टीम पूरी साथ में है, हमारा अप्लीकेशन है, हमने दिया, रिसीव करके कॉपी ली है, 15 डेज का टाइम है, अगर कोर्ट खुलेगा तो हम आगे प्रोसीडिंग करेंगे। अच्छा भाई, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर, जिस तरह से एक धार्मिक भावना को एक पत्रकार ने पेश पहुँचाने की कोशिश की, क्या कहेंगे? देखिए, ये अभी ट्रेंडी हो गया है, जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का मीडिया है, इनके यहाँ पर बड़े बड़े जो पत्रकार अपने आप को समझते हैं, इन्होंने एक ट्रेंडी कह लिया है कि एक समुदाय के खिलाफ, खासकर मुस्लिम समाज के खिलाफ ये लोग जो मुंह में आए अनशन बकते चले आते और फिर बाद में ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से माफ़ी मांग लेते हैं। कई सारा प्रेशर बनता है, अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग समाज के लोग जब आकर एक साथ में चिल्लाते हैं, इन पर गुनाह दाखिल करने की कोशिश करते हैं, एफआईआर होती है। इससे पहले अर्नब गोस्वामी के साथ में भी यही हुआ था और मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर ये लोग रात के 9 बजे प्राइम टाइम पर, जब सबसे ज़्यादा लोग टीवी देखते हैं, उस वक्त अगर ये मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं तो ये दबे पाँव सुबह या दोपहर या रात में ट्वीट करके नहीं, इन्हें अगर माफ़ी भी मांगनी है, और हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम माफ़ करने को भी तैयार है, लेकिन अगर माफ़ी भी मांगनी है तो प्राइम टाइम पर आगे माफ़ी मांगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।